फर्स्ट प्लेस पे हम लोग को रोहित यादव को पहुंचाना है तो पहुंचाना है। तो एक तरफ आप लोगों ने देखा कि झारखंड में किस तरह से भाषा आंदोलन और बाहरी भीतरी का खेल चला, और उस बीच जो है रोहित यादव जी यहाँ का प्रवेश होता है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं, तो क्या लगता है आप यहाँ पे झारखंडियों को जो मूल निवासियों को खींच पाएंगे अपने तरफ? मसीहा है हमारे रोहित भैया जी, पूरा झारखंड में हमारा रोहित यादव का नाम ऊंचा होगा, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी इतना वोट कहाँ से लाया, पूरा हमें हर जगह चर्चा होगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे दो दो राष्ट्रीय पार्टी पड़ा हुआ है, रोहित यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा पूरा आशीर्वाद दे दिए लगता है सिलाई मशीन छाप के, भाई का कृपा है, बाबा का कृपा है, समूह का कृपा है, जनता का कृपा है, कोई गाड़ी रोक नहीं सकता है, विधायक बना कर चलिए साथियों। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कतरास जीएनएम ग्राउंड में, और यहाँ बहुत ही जल्द जो है भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का जो है प्रवेश होने जा रहा है, और उसके बाद एक भव्य महारैली का आयोजन किया गया है जो कि रोहित यादव के पक्ष में प्रचार करने आ रही है। इस बार बागमारा विधानसभा क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़ा टक्कर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहले जो है सिर्फ जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हुआ करता था, लेकिन इस बार चूंकि रोहित यादव जी कांग्रेस को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार एक भारी टक्कर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ जो है कैची छाप जो है जेएलकेएम का वो भी चलने वाला है, तो इस बार टक्कर सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं, चार लोगों के बीच में महा टक्कर होने वाला है, लेकिन जीतेगा कौन इसका तय जनता बहुत जल्द कर देगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है चुनाव होने वाला है। और इस तरह से एक भव्य महारैली का आयोजन ये दिखा रहा है कि रोहित यादव जी इस बार जो है कहीं से भी किसी से भी कम नहीं है, और एक बड़ा टक्कर दे करके कहीं बाजी ना मार ले इसका कहीं से भी कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार भारी टक्कर होने वाला है। चलिए आज देखते हैं यहाँ के जो उनके समर्थकों से जानने की कोशिश करते हैं कि रोहित यादव किस तरह से इस बार परफॉर्म करेंगे, क्या कोई कहना चाहेंगे कुछ? तो रोहित यादव जी क्या लगता है कि कांग्रेस से इतना माने दूर होने के बावजूद भी क्या वो सारा वोट वो ला पाएंगे जो कांग्रेस लाता था? कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता है, निर्दलीय रह के भी चुनाव जीत रहे। क्या जैसे जो कांग्रेस को जो अल्पसंख्यक वोट हमेशा से मिलता आ रहा, क्या वो अल्पसंख्यक वोट इस बार जो है इनके तरफ आएगा या फिर ये बाकियों के तरफ? इस बार नेशनल पार्टी जो है दोनों नेशनल पार्टी है ना, कहीं ना कहीं हम लोग के पीछे साजिश कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं रोहित यादव इस बार कहीं ना कहीं बागमारा से जीत लेंगे। इस बार कुल हम लोग जितने भी समर्थक लोग खुद रोहित यादव जी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन्हीं को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि शत्रुघ्न महतो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे और रोहित यादव ऊपर? अब दूसरे नंबर में जो भी है इससे मतलब नहीं है, हम लोग फर्स्ट प्लेस पे हम लोग को रोहित यादव को पहुंचाना है तो पहुंचाना है। तो एक तरफ आप लोगों ने देखा कि झारखंड में किस तरह से भाषा आंदोलन और बाहरी भीतरी का खेल चला, और उस बीच जो है रोहित यादव जी यहाँ का प्रवेश होता है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं, तो क्या लगता है आप यहाँ पे झारखंडियों को जो मूल निवासियों को खींच पाएंगे अपने तरफ? हम लोग बाहरी भीतरी मुद्दा को लेकर आगे नहीं बढ़े हैं, हम लोग का मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी और आपका जाकर के मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर। यदि हमारे क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होगा तब हम कहने के हमारा बागमारा विधानसभा क्षेत्र का नाम ऊंचा होगा। बात सही है कि यहाँ पे बागमारा विधानसभा में लगभग हर पार्टी ने राज किया, लेकिन आज तक बागमारा विधानसभा में कोई ना एक बढ़िया हॉस्पिटल है, ना खेल का मैदान है, कोई भी चीज़ का सही से अभी तक जो है हो नहीं पाया, तो क्या इसको लेकर के रोहित यादव जी आगे बढ़ेंगे? उसके बाद जलेश्वर महतो यहाँ पर विधायक बने, उन्होंने छवि इतनी खराब कर दी, उसके बाद फिर द्वार फिर उन्होंने में चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं झारखंड विकास मोर्चा से डुल्लू महतो को जीते यहाँ पे, उसके बाद भी 2014 में भी बीजेपी से डुल्लू महतो ही जीते, उसके बाद 2019 में भी कहीं ना कहीं डुल्लू महतो ने अपना वर्चस्व कायम किया, मतलब चार बार से हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 20 साल हो चुका है, आज तक कभी भी हमारे बागमारा में विकास का कार्य नहीं हुआ है, बस इसी को लेकर के हम लोगों ने इस पर ठाना है, इस बार हम लोग को झारखंड बागमारा में परिवर्तन लाना है। रोहित का मसीहा है हमारे रोहित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोहित भैया ये जो भीड़ दिख रहा है, हजारों बाइक आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, हजारों की संख्या में यहाँ पे समर्थक जुड़ने वाले हैं, तो क्या ये हजारों की संख्या जो है 50,000 से के पार वोट ला पाएगी, क्योंकि उससे कम में जीत का कोई संभावना नहीं? कौन से जीत रहे हैं? पूरा झारखंड में हमारा रोहित यादव का नाम ऊंचा होगा, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी इतना वोट कहाँ से लाया, पूरा हमें हर जगह चर्चा होगा कि नंबर 1 सीट पे चल रही है, निर्दलीय देख रहा है। ऐसा होगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे दो दो राष्ट्रीय पार्टी पड़ा हुआ है।
अगर क्या इनके इनका छवि वैसा है, इन्होंने ऐसा कार्य किया है, कौन मैंने निर्दलीय मुख्यमंत्री बना है, प्रसन्न हुए हैं। निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुपुराजी बने हैं, तो क्या ये भी अगर फंस जाता है पेश है एकदम मंत्री बनता है। चलिए तो चलिए देखते हैं कि अब कुछ ही देर में अक्षरा सिंह आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं कि किस तरफ झारखंड में बागमारा विधानसभा में किधर यहाँ के लोगों का जो है रुख होता है और कौन यहाँ से विजय होकर के यहाँ पर जो है विधायक बनते हैं और आगे यहाँ का विकास का जो है कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।